राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर लदवाड़ा स्थित न्यू मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल में ई डेक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने अभिभावकों के साथ मिलकर कई प्रकार की बोर्ड गेम्स खेली। इन गेम्स के माध्यम से उन्होंने जाना कि किस प्रकार खेल ही खेल में शिक्षा को बड़े सहज ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही अभिभावकों को कई विषयों से संबंधित जानकारी भी दी गई। बच्चों में आत्मविश्वास और विषय के प्रति सहज रुचि देख अभिभावक भी हैरान हो गए। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य रेखा कॉल ने बच्चों के इस प्रयास की खूब प्रशंसा की और आए हुए मेहमानों व अभिभावकों का धन्यवाद किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिवस की कामयाबी का श्रेय अध्यापकों को जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे कौशल से युक्त हैं। साथ ही गांधी जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन कमेटी के मान्यवर सदस्य, सेवानिवृत्त हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव प्रभात शर्मा, प्रसिद्ध कवि रमेश मस्ताना, राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य आर के प्राशर सहित समस्त अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। जो भी एक्टिविटीज हुई वो बहुत एक्सलेंट एक्टिविटीज हुई। मैंने स्वयं जा कर के एक एक क्लासरूम में जा कर के देखा और हर एक्टिविटी जो थी वो कहीं ना कहीं कंटेंट को भी टच करती है। जो भी एक्टिविटी है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी कि जो यहाँ पे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो उनकी जो एक्टिविटी है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रही है। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह था, उनका जो रिस्पांस था बहुत अच्छा था, पेरेंट्स की भी साथ में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि पेरेंट्स नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स कई चीज़ों को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं जब बच्चों का कुछ इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ढीला भी रह जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखने को मिली है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उत्साहित है। यानी कि जितनी ज़्यादा बच्चों में पार्टिसिपेशन की भावना थी उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स की जो थी वो स्पिरिट थी उस फंक्शन में इन्वॉल्व होने की। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भी यहाँ पे एक्टिविटी का आज आयोजन किया गया, ये सही मायने में जो है वो ये स्कूल का जो है वो एक अद्वितीय जो एक प्रयत्न है ये सारे इलाके। धन्यवाद। मैं भी क्लास में था, बच्चे अच्छा से पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में, मैं भी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो बच्चे जो है अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बच्चों की एक्टिविटी देख के अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों को क्या कि कॉन्फिडेंस मिलता है, जैसे कि पहले मेरे दूसरे स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, तो बच्चों को कुछ होता है, यहाँ हमने देखा तो अपने अपने नाम भी सेकेंड अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। द इंस्टीट्यूशन इज डूइंग वेरी गुड, मैनेजमेंट इज वेरी कोऑपरेटिव, हेल्पफुल एंड स्पेशली द किड्स लर्निंग इज वेरी इनोवेटिव। बात करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है और राइटिंग स्किल जो है बहुत अच्छी है, फिटनेस बच्चे में आ जाएगा, पूछने की बताने की तरीका में आ जाएगा, अच्छे निकलेंगे। सिस्टम इज वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिवली आई हैव सीन द किड्स आर लर्निंग वेरी इफेक्टिवली। देयर इज नॉट जस्ट दे आर क्रैमिंग, नॉट क्रैमिंग, बट दे हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलॉट। दिस सिस्टम इज वेरी गुड फॉर द प्रेजेंटली एजुकेशन सिस्टम, बट एवर द सिनेरियो इज टीचर आर स्टूडेंट्स स्पेशली आर लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल। दिस इज हॉलमार्क आई कैन से, दिस लर्निंग बाय डूइंग। मैं रमेश चंद्र मस्ताना, आज मिलेनियम स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल में आकर के बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ जो उनका एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम देखा, खेल खेल में बच्चे क्या कुछ सीख गए हैं और कितना कुछ और हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये देख करके इतने छोटे से स्थान के ऊपर इतना सुंदर प्रबंधन जो है वो इस इंटरनेशनल मिलेनियम स्कूल के द्वारा जो किया गया है, इसके लिए पूरा प्रबंधन जो है वो बधाई का पात्र है। साथ में जो प्रशिक्षित अध्यापक जो है वो यहाँ पर हैं, जिनकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो है वो गजब की हैं, दोनों पर ही ना केवल टीचरों की ही कमांड है अपितु जो है वो बच्चे भी उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो उसको लर्न करने का जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरा क्षेत्र जो है वो इनका आभारी है।
कि इन्होंने इतने कम समय में और इतने सुंदर स्थान के ऊपर जो है वो सारी सुविधाएँ जो है वो बच्चों को दी हैं और पेरेंट्स जो है वो आज काफ़ी मात्रा में जो है वो लगभग शायद ही कोई बच्चा ऐसा बच्चा हो जिसके पेरेंट्स जो है वो यहाँ ना पहुँचे हों, उन्होंने आकर के अपने बच्चों की एक्टिविटी जो है देख ली है और बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से सारे प्रबंधन जो है हमारे लिए बताया। ये थी रात से अमित शर्मा की रिपोर्ट।